हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। और आज जैसे कि आप हमको देख रहे होंगे येलो ड्रेस में, हम लोग जा रहे हैं आज हल्दी में। आज है हल्दी की रस्म। चलो फिर मिलते हैं वहीं। इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और गाइस अब आने लग गए हैं सब लोग धीरे धीरे हल्दी में। और देख सकते हो आप, और गाइस पहुंच चुके हैं हम जहां पर हल्दी है और हल्दी के फंक्शन में। आप देख सकते हैं डेकोरेशन। और अभी चलते हैं अंदर। और ये हैं हमारे भैया, इनकी बेटी की आज हल्दी है। और शाम को भैया नमस्कार, जय महाराज जी की बहुत बहुत बधाई आपको। और गाइस देख सकते हैं यहां पर होगी अभी हल्दी की रस्म। और यहाँ पर आएगी हमारी बिटिया रानी को लगेगी हल्दी। हाय नया बेबी, कब आया? अभी आया। और यहाँ पर हैं गरम गरम पकोड़े, देख सकते हैं। और इधर चाय। और सूरज बेटा लगा है सेवा में। और ये देखो दुल्हन की मामी है, ये नानी है, ये भी नानी है, बच्ची रहे। तो चलो मिलवाते हैं आपको। हाँ बोल दिया मैंने, नानी है। अब बाबा नानी ग्लोबन तो बहुत जोर रख यार। और देखो भैया यहाँ तो मांग टीका लगा के आ गए भैया, हम तो ऐसे ही आ गए। बोल रहे भाई नाश्ता कर लो, कर लेते हैं हम नाश्ता। जैसे मैंने अभी दिखाया था गाइज गर्मा गर्म पकौड़ी। बस बस दीदी आ गई। तो गाइज आइए आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। गाइस देख सकते हो यूट्यूबरों की भी भरमार हो गई है, यहाँ पर फंक्शन में आए हैं सब, लगे हैं अपनी अपनी तरफ से। और गाइस आपने देखा होगा मेरे साथ अक्सर लीला विश्व उत्तराखंड प्रेमी चैनल। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। हो रही है तैयारी हल्दी से पहले पूजा हो रही है। और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं देख सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। अब भाई अब पंडित जी तो हुए भाई, चाहे हमसे छोटे भी है तो क्या हुआ, पंडित जी तो हुए। और पंडित जी हल्दी की तैयारी करते हुए जब तक मतलब रस्म शुरू होती है तब तक सब लेडीज लोग ढोलक में मंगल गीत गा रहे हैं। कंचन बिटिया को ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपका दाम्पत्य जीवन।
गाइस दुल्हन आ चुकी है, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। सो ब्यूटीफुल कंचन बिटिया दुल्हन की माँ बेचारी सुबह से लगी हुई है तो बार बार पिछोड़ा हट जा रहा है। दुल्हन की माँ बहुत ही खूबसूरत लग रही है आज तो, हमारी बहन गुड़िया। दुल्हन आ चुकी है और अब जरा फोटो पिक शूट किए जा रहे हैं और गाई होता ही है कुछ भी हो, पहले फोटो शूट और सेल्फी का दौर चल हो गई है तैयार। सो ब्यूटीफुल मोमेंट। ऐसे रहना दी हाथ पकड़े और लग रहा है ये मीठा। और मेरी भतीजी पल्लवी या प्रियांशी चलो रखवाओ इनको भैया, सीधा पैर रख बेटा, फिर दूसरा रखो। ब्लॉग पूरा बनेगा आंटी आप आए जी। हाँ इस टाइम गर्मी हो ही रही है ठीक ही, और उसके लिए हल्दी लग हल्दी के लिए ना इधर चल रहा है, सबको तिलक लगाया जा रहा है, जैसे हमारी कुमाऊनी भाषा में कहते हैं पीठियां लगाना। पीछे से खड़े रहो ऐसे सीधे करके। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज दिखाई दे रही हैं आपको। और हमारे फोटोग्राफर नए नए अंदाज बताते हुए कि नए नए लुक से कैसे पोज लेना है। तू जा हो रही है। और गाइस हो चुकी है हल्दी की शुरुआत, आप छोटी सी गुड़िया को देख रहे हैं, वो पहले कन्या हल्दी लगाती है। ये हमारा उत्तराखंडी रीति रिवाज। यो हमारा चाची गिटार संग दूर, चाची जरा जोरिल गाओ दूसर खांगी। आगे से हट जाओ आप। बाप रे आगे से आने जाना बंद कराओ ना, एक बार और लगाओ, अब हाथ से लगाना, इसको बीच में रख दो वहाँ पैरों के इधर रख दो, हाथ से लगाना, हाथ से लगाओ, हाथ से लगाओ बेटा, ये सही है। भी झूठे मत बैठो आप, झूठो मत इधर साइड
चेहरे पे नहीं लगा रहे, चेहरे थोड़ा सा तो लगाओ। हाँ शगुन तो करना पड़ेगा, लगाओ हल्के से गालों पे। इधर सामने आप हो गया, आ जाओ, चलो चलो नेक्स्ट। अब मामा की बेटी और दामाद हल्दी लगाते हुए, लगाओ लगाओ एक बार और लगाओ। ब्लॉग में देख लिया, हम यहाँ पर बैठेंगे, हमारे ऊपर लोग और गाइज अब लगा रहे हैं मौसी और मौसा हल्दी कंचन को। थोड़ा पीछे को बैठो, आप थोड़ा पीछे को बैठो ना, अच्छे से बैठ जाओ। अब लगाओ, पांच बार लगाते हैं करें। कंचन के मम्मी पापा हल्दी लगाते हुए, लगाओ साथ में लगाओ, लगाओ पहले लगाओ, लगाओ लगाइए। दिखी दिख गई, मैं भेज दूंगी, चिंता मत करो। हाथ से भी लगाना है, दुबा छोड़ के। हाँ हाथ से भी लगा दी, झुक के मत बैठो आप। एक दूसरे साइड देखो, अब नाना नानी भाई लोग, मेरे भाई मामा के लड़के दीपू और तरुण। आंटी ब्लॉग बना रहे हैं? हाँ जी। प्रियांशी मेरी भतीजी हल्दी लगाते हुए अपने कंचन दी को। हल्दी मुलाई एक हाथ पे लगाओ, ये देखो सामने दी सामने। अब हाथ से मामी और मौसी ना हल्दी लगाते हुए। अब आ गई है पड़ोसियों की बारी। थोड़ा सीधा का बैठो आप, ठीक है लगाओ, आप लगाओ। अरे दुबल नीचे रखो, दुबल नीचे रखो, दुबल। एक हाथ पीछे रखो कंधे पे, ये हाथ हाथ पर रखो, हाथ पर रखो, वाला रखो ना कंधे पे, ये वाला हाथ पर रखो। वो पान का तुमने उल्टा कर दिया। वो ठीक है, आ जाओ, चलो हो गया, आ जाओ, आओ। वो हमारे गिटारों की बारी। चलो ठीक है, आ जाओ। और हल्दी में बहुत होड़ लगी है, मेरी बारी मेरी बारी। और बहुत जने हैं, पता नहीं नंबर कब तक आएगा। सब बैठे, नंबर आया थे जीते रहे सौभाग्यवती। अब हमारे पड़ोसी हैं शाकंभरी रावत, भावना भंडारी और सब लगा रहे हैं। अब मतलब काफी देर हो गई है, लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं सब, और दुल्हन को भी परेशान कर दिया है।
गाइस आप देख रहे हो ज्यादा सब लोगों ने लगा रखे हैं चश्मे, क्योंकि आप भैया सहेली है और कह रहे हैं कि हम रोएंगे तो हमारे दिखे ना, इसलिए इन्होंने लगा रखा है चश्मा, क्योंकि भाई बहुत दुख तो होता ही है। हाँ, हम लोगों को भी बहुत दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। बस अब दुख तो होगा जब बेटी इतने 18-20 साल तक घर में रहती है, है ना। लेकिन ये खुशी के आंसू है गाइस, ऐसी कोई बात नहीं। और गाइस मैंने भी लगा दिया चश्मा, मांगा है कंचन से। और गाइस सुंदर लग रहे हैं देखो चश्मा सच्ची। और गाइस आज ब्लॉग होगा थोड़ा लंबा इंटरेस्टिंग, लेकिन देखिएगा जरूर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। ये तैयारी, चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। ये फूल ये देखिए, ये भी बैठी है। और भाई ये फूल बताओ तो, ये भी हल्दी में डेकोरेशन की जाएगी इसकी, के ऊपर इसको छिड़का जाएगा। ठीक ठीक, बहारो फूल बरसाओ वाली फीलिंग आएगी। और गाइज अभी 5 सुहागनों को बुलाया जा रहा है, जिन्होंने पिछौड़ा पहना है अपनी हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, और देख सकते हैं आप। और जी आ गई है सब, अब सवाले पाथने की प्रक्रिया होगी, मतलब आटा वगैरह गूंदेंगे ये लोग। दिखाओ करो, गाइस दिल थाम के रखो, रेडी अगले मूवमेंट के लिए तैयार। चलो 3-2-1 फेंको। वाओ सो ब्यूटीफुल। 3 हाँ देखो दी सामने, सब कुछ बदलता है ना। 3-2-1 फेंको। ये फ्रेंड्स नेक्स्ट मूवमेंट अब भाइयों के साथ। इधर को आ जाओ, चिल्लाना नहीं है। चलो रेडी, ओके भैया 3-2-1 वही देखो और फेंको। वाह भाई शांत है, नहीं चिल्लाए। अब चलेगा नीचे से छोड़ना, छोड़ो छोड़ो नीचे नीचे नीचे, आप भी घूमो। यस वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल मोमेंट। ये बहुत खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल मोमेंट। वाओ थोड़ा आगे आओ, घूम करो। अब सो गई होगी ना, खत्म हो गई होगी, देख लो। वाओ वेरी नाइस गाइस, मेरे सवाल के लिए आटा मल रहे हैं। पांच सुहागने सवाल के लिए आटा मलते हुए। अभी हल्दी की रस्म हुई थी गाइस, अब हो रही है सवाल पथाई की, और इसमें भी मंगल गीत गाया जाता है, और ये हमारी उत्तराखंड की कुमाऊनी संस्कृति है। देखिए इसमें बहुत कुछ बनाए जाते हैं, जैसे लाड़, दाढ़ी, सवाल, और मेन होता है इसमें, मुख्य होता है समधी समधन। तो गाइस बने रहिएगा और ब्लॉग में, और हमारी ताई जी लगी हैं, कंकड़ बांधा जा रहा है दुल्हन की माता को, कंकड़ जैसे मतलब प्लेन्स में कंगना कहते हैं और हमारी कुमाऊनी भाषा में कंकड़ कहते हैं। सहारनपुर मतलब सब
चेल बेटियों के नाम लिए जाते हैं घर में सभी लोगों के। तो मिस यू मौसा मौसी, आज आप होते तो कितना खुश होते, लेकिन आप जहाँ भी हैं अपनी पोती को आशीर्वाद दें। सीखो सीखो गुजिया, गुजिया के लिए थोड़ा घी लाओ, गुड़ गुड़ और गुड़ घी, तिल तिल वाला भी तो तिल वाला अभी बनाएंगे। अच्छा वो दूसरी चीज है। अच्छा वो दूसरी चीज है, लाड़ू है, लाड़ू आया। देखो प्रीमा ने बना दिया पान का पत्ता, क्योंकि ये भी बहुत शुभ होता है ना, तो पांच पान के पत्ते बनेंगे। सुवाले बन गए हैं, अब सुवालों को जो है धूप में सुखाया जा रहा है। तुम दुल्हन के क्या लगे? दुल्हन की मौसी। मौसी, दुल्हन की मौसी है। और ये अब समझो संगल बनेंगे ना, तो इसकी तैयारी कर दी है। ताई जी ज्यादा गर्म खेत हाथ जाओगे बल। तैयार कर दिया चाची ने, अब आप बनने इसमें समधी समदल बनेंगे। और गाई जी बन गए हैं समधी, और अब समदल बन रहे हैं, और इस तरह अभी इनका भी डेकोरेशन करना पड़ेगा। समधी बन गए हैं, और इसी तरह एक समधन भी बनाई जाएगी, जो मतलब इनकी शादी में आदान प्रदान होता है, मतलब वर पक्ष की तरफ से भी आएगी और कन्या पक्ष की तरफ से भी। बन गए हैं समधी समदन, और समधी की आंखों में लगा चश्मा और मुंह में लगी है सिगरेट। हल्दी के बाद फिर होते पूजा पाठ, और जा रहे हैं चाची लोग शगुन आकर।